एक बैट आप कचौड़ी खा रहे हैं और जलेबी खा रहे हैं ना, बिल्कुल तो उसमें तो ऑयली रहेगा ही। अभी आपने आया दो बार बोल दिया मेरा दीजिए मेरा दीजिए। आप 50 साल से कचौड़ी बेच रहे हैं, 38 साल मेरे को बैठते हो गया। तभी तो लोग देखिए श्रीभूमि से आ रहे हैं, आप हावड़ा से आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जाएंगे एक मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ द कोलकाता फूड चेन क्लब कचौड़ी का सेंटर छगानी ब्रदर्स छगानी भुजिया भंडार। तो चलिए आज हम लोग आपको वहाँ पे ले चलते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग जाएंगे हावड़ा से, हावड़ा से हावड़ा ब्रिज क्रॉस करके बड़ा बाज़ार, बड़ा बाज़ार में उसका दुकान है, बहुत ही शानदार कचौड़ी बनता है और सब लोग को बहुत पसंद है। तो लेट्स गो एंड वॉच। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको ले चलते हैं हावड़ा ब्रिज के ऊपर से छगानी भुजिया भंडार। तो फ्रेंड्स हम लोग ये सीधा हावड़ा ब्रिज के ऊपर से जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि सामने बहुत जाम है, तो चलिए हम आपको इसको कट करके सीधे हावड़ा ब्रिज के अंदर ले चलते हैं। यहाँ पे टिकट मिलेगा राइट हैंड में, द फेमस हावड़ा ब्रिज। आ गए हैं छगानी क्लब कचौड़ी सेंटर के पास, तो चलिए आपको ले चलते हैं वहाँ पर। तो ये है लाली छगानी क्लब कचौड़ी वाला। भैया 5 प्लेट आप कर लीजिए, 1 प्लेट दीजिएगा। पाँच प्लेट खाना में दीजिए। आपने कितनी है? 6 डबल लाइट वो पैक कीजिए। देखिए यहाँ पे ऐसे कचौड़ी बिक रही है। छगानी जी, तो अभी आपके यहाँ पे इतना भीड़ हो रहा है, इसको क्या बढ़ाने के सोच रहे हैं? ये बड़ा बाबू क्या बढ़ाएंगे, इससे बेसी बढ़ाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे। सब देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। खगानी एक और सवाल आपको, जो यहाँ पे कुछ कमेंट्स आ रहा है कि ये कचौड़ी बहुत ऑयली है, ये वो, तो आप उनको क्या कहना है? हम क्या बोलेंगे, आप खाएं, आप बोलिए। हम तो कहने से कुछ नहीं, मगर आपका कुछ अगर राय हो। अभी आपको बताएं, आपने खाया और आप अगर उसमें कमेंट्स लिख देंगे कि ऑयली कचौड़ी, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? आपने अभी खाया, आपको कैसा लगा? मुझे तो बढ़िया लगा। कोई ऑयली है? एक मिनट, कोई ऑयली है? तो एक मिनट, आप कचौड़ी खा रहे हैं और जलेबी खा रहे हैं ना, तो उसमें तो ऑयली रहेगा ही। और क्या, वही बात है। आप घर का परोठा और घर का रोटी थोड़ी खा रहे हैं, तेल से कचौड़ी बनती है, और अभी आप खाए, आपको ऑयली लगा क्या? ऑयली लगे। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बस दैट्स ऑल। नहीं चाहता है, अभी आपने आया दो बार बोल दिया मेरा दीजिए मेरा दीजिए, और उस मोमेंट में आप हमसे सवाल जवाब करेंगे, तो हम आपको जवाब देंगे या कस्टमर को देंगे? कस्टमर को ही देंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर हम फ्री है तो बात कीजिए। तो अगर कोई आपके पास आना चाहे तो नॉर्मली अच्छा टाइम क्या होता है? कोई अच्छा टाइम नहीं है, 6:30 से 12:30 एक पीरियड टाइम है। अच्छा, अभी क्या 12:30 बढ़ गया? एवरीडे 12:30 संडे 1 बजे तक कचौड़ी खा जल्दी। ये दुकान में मैं 30 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, और इस दुकान की खासियत ये है कि इनकी जो कचौड़ी है, सब्जी है, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको।
और दूसरा बात है कि आज चाहे ये 50 पैसे बिक्री की हो 30 साल पहले और आज यदि 10 रुपए में कर रहे हैं, यदि 15 साल बाद भी 50 रुपए बिक्री करेंगे तो लोग खाएंगे और भीड़ रहेगा हमेशा। भगवान की दया से इनके ऊपर आशीर्वाद है भगवान का। ओके क्या लड़बे ठीक बोलियो। तो छगानी जी, ये जो पप्पी छगानी है ये क्या आपके ब्रांच है? तो आपका अगर कोई आना चाहे, एक बड़ी कलकत्ता में हल्दीराम की सैकड़ों दुकान है, तो सब दुकान के प्रभु जी की है क्या? तो मैं छगानी लाली छगानी की दुकान ही है, बाकी और कोई 50 छगानी दुकान खोले तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? छगानी जो होगा तो छगानी लिखेगा सरनेम अपना, वो पप्पी छगानी है, मैं लाली छगानी हूँ, उसकी दुकान अलग है, मेरी दुकान अलग है। तो आप लोग आप इसको फोटो पचास, हम पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है, परंतु हमारी और कोई ब्रांच नहीं है, ये सभी सेंटर। अंकल जी बोल रहे थे मेरे को, इसीलिए उन्होंने ये लिखा है क्योंकि बगल में जो दुकान खुली तो लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि इनकी दुकान और है, बिल्कुल इसीलिए इन्होंने लिख दिया कि हमारी और कोई ब्रांच नहीं है, यही ओरिजिनल है, इनसे बढ़िया कचौड़ी कहीं का नहीं है। तो आप अगर कोई पुणे दिल्ली से आए तो आप कहेंगे कि ये आपका? हम क्यों बोलेंगे, वो अपने आप लोग दे रहे, मेरा फोटो दे रहे हैं, हम किसी को थोड़ी बुलाने जाते हैं और ना कभी बुलाएंगे। मतलब कि ये आप सबसे पुराना दुकान है, हम क्यों बोले पुराना और नया? मैं 50 साल से कचौड़ी बेच रहा हूँ, मैं अपने 50 साल से है। तो आप कभी फ्रेंचाइजी खोलने का सोचे है? इतना फेमस हो गया है। बैठिए आप बैठिए तो मालूम पड़ेगा सर। 5 प्लेट और 5 जलेबी, 4 जलेबी, हाँ वही 240। ये था हम लोगों का छगानी क्लब कचौड़ी का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और रही बात मेरे रिव्यू की, मेरे विचार की, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। जो सब्जी का टेस्ट है वो बहुत बढ़िया है, उनका एक ट्रेडमार्क है, उन लोग अपना जो सब्जी है वो अपने लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, जिसके वजह से उसका टेस्ट और कलर ऑल खुल जाता है। और भुजिया डालते तो उनका एक अलग ट्रेडमार्क टेस्ट है, विदाउट भुजिया आप टेस्ट ना करें, मैं कहूँगा विद भुजिया सब्जी और कचौड़ी का स्वाद ले। तो थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।